राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पीड़ित महिला को बुरी तरह से मारा पीटा। आपको बता दें, मामले पर पीड़ित महिला निधि श्रीवास्तव ने आलमबाग पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी धीरज पांडे, शीला, विशाल बताए जा रहे हैं कि धीरज पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन विशाल और शीला पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर निधि श्रीवास्तव लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, यहां तक उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। महिला अब लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले पर विवेचना अधिकारी राजेंद्र यादव से भी हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि दबंगों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें एक युवक विशाल नाबालिग है, जिसका नाम विशाल है। दबंगों पर कार्रवाई हो, विशाल और शीला को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये भी पीड़ित महिला लखनऊ पुलिस से पूछ रही है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित महिला की आप बीती। क्या नाम है मैम आपका? निधि श्रीवास्तव। कहाँ से आए हो? आरती नगर गड़ी गनौरा। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि क्या नाम है, हमारे घर के थोड़ी दूर पे धीरज पांडे नाम का एक आदमी रहता है, मतलब कि शीला, धीरज पांडे, मैं एक दोनों से क्लोज है। उनका एक लड़का है विशाल, ये लोग हमारे लड़का मेरा गया था सामान लेने, ये लोगों ने वहाँ से उसको पकड़ के कहीं ले जाने की कोशिश की है, मारते पीटते हुए ले गए। मुझे कहना किसी दूसरे ने सूचना दिया फ़ोन पे, मैं भी दौड़ के गई बचाने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो धीरज पांडे, शीला और विशाल, ये लोगों ने मारते हुए देखा, तो मैंने बचाने की कोशिश किया। उत्ते पे धीरज पांडे ने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए, यहाँ तक कि मेरे साथ दुराचार भी करने की कोशिश किया, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, लोगों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। फिर वहाँ पर जो लोग देख रहे थे वो लोगों ने छुड़ाया। उसी हालत में हम थाने पे गए, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराया, तो उन्होंने हमको फिर मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल करा के आए तो फिर वहाँ से हमारा तो FIR दर्ज कर लिया गया। बाकी समस्या ये है कि अभी तो धीरज को ही इन्होंने बंद किया है, और क्या नाम है, अभी तो शीला और विशाल ऐसे ही दिन दहाड़े घूम रहे हैं, उधर हम लोग का जाना आना बंद हो गया। वो चार लोग के सामने गाली गलौज देते हैं। इसके धीरज से आपकी कोई जाती दुश्मनी तो है? हमारी पुरानी रंजिश है, दो बार हमारे हस्बैंड को मार चुका, एक बार तो ऐसे ही हाथापाई हुआ सिर्फ, दूसरी बार में जान से मारने की पूरी कोशिश की कि उनका सर फट गया, जिसका मैंने एक FIR दर्ज कराया खाला बाजार में। अभी वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं हुआ है वहाँ से, और अभी भी कहना मैं अभी एक महीने पहले की बात है, 17 तारीख की बात है, जून की बात है, 17 जून को। तो मैं ये धीरज करता क्या? धीरज एक प्लाई फैक्ट्री में काम करता है, एक वर्कर है, और शीला मतलब अपने घर में उसको रखी हुई है, ऐसे है नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ऐसे ही रखते हैं ऐसे। अब मुझे अपने लड़के से ये भी पता चला कि धीरज कोई वहाँ आगे जलालपुर की तरफ टिल्ला है, अच्छा। वो सन्नाटा जगह है, मतलब एक तरीके से बंजर जगह है, तो वहाँ पर मैं लड़के को मार के फेंकने के लिए लेके जा रहा था। शीला अच्छा। से कह रहा तुम टेंशन ना लो, आज इसका काम खत्म कर देंगे। मेरा लड़का 13 साल का है। सरकार से यही चाहते हैं कि क्या ऐसे ही औरतों के ऊपर अत्याचार होती रहेगी, कम से कम मेरी तो सुने। आज हमारा हाथ, मेरे ऊपर किसी ने हाथ डाला, कल किसी और की बहू बेटियों पे भी हाथ पड़ सकता है। आपने FIR करी थी तो सुनवाई नहीं हुई क्या थाने में? थाने में सुनवाई तो हो रही है, वो बस सिर्फ धीरज को बंद किए हैं, बाकी दो को तो छुट्टे साढ़ की तरह खोले हुए घूम रहे हैं, उन लोगों को भी तो बंद करे जो सबसे बड़ी वहाँ की मुख्यमंत्री बने बैठी हैं, शीला, और यहाँ तक मेरे एक